माय चैनल, दिस इज मी मारियन। होप सो कि आप सब भी फर्स्ट क्लास होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और आज मैं आपके साथ एक एंटी एजिंग ऑयल शेयर करूंगी जिसके यूज से आपकी एज को एक रिवर्स गियर लग जाएगा और आप अपनी एज से 10 ईयर यंग छोटे दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। जो बिल्कुल सही कह रही हूँ, और लोग आपसे पूछने पे मजबूर हो जाएंगे, ऐसा क्या करवा लिया आपने, क्या किया आपने, कोई फिलर आपने लगवाए हैं या बोटॉक्स करवाया है, क्या ऐसा करवाया जो आप अपनी एज से इतने छोटे दिख रहे हैं। होता यह है कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमारी स्किन में जो है कोलेजन बनने की मिकदार कम हो जाती है और कोलेजन हमारी स्किन को टाइट एंड फर्म रखता है। लेकिन जब हम यंग होते हैं तो हमारी स्किन में कोलेजन बड़ी तेजी से बन रहा होता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन जो है वो टाइट और यंग दिखती है। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है, हमारी जो स्किन है उसमें हमारे स्किन में जो कोलेजन बनने की मिकदार जो है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी स्किन जो है सैग कर जाती है, लूज पड़ जाती है और उसकी लटक जाती है, जिसकी वजह से हमारी स्किन पर फाइन लाइंस और रिंकल्स जो पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं या पड़ जाते हैं। तो ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है, इसको हम नहीं रोक सकते। लेकिन हम एजिंग साइंस को काफ़ी हद तक डिले कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, रोक सकते हैं और ख़त्म भी कर सकते हैं। कैसे? ये जो ऑयल आज मैं आपको बताऊंगी, ये एंटी एजिंग ऑयल या सीरम, इसके यूज़ से आपके फेस से ये तमाम असरा जो हैं आप उसको काफ़ी हद तक डिले कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, रोक भी सकते हैं और ख़त्म भी कर सकते हैं। आप किसी भी एज में हैं, आपकी एज कुछ भी है, 25 अगर आपके फेस पर नहीं है, 25 है, 30 है, 30 प्लस है, 40 प्लस, कुछ भी है आपके फेस पर रिंकल्स आ गए हैं, तब भी आप इसको स्टार्ट कर दें आज से ही। अगर नहीं आए तो तब भी आप इसको यूज़ करना स्टार्ट कर दें, इससे आप अपने एजिंग साइंस को जो है वो डिले कर सकते हैं। तो इस ऑयल को हमने कैसे बनाना है, चलिए आइए मैं बताती हूँ आपको वीडियो में। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर किया करें, आपके एक लाइक से मुझे बहुत हिम्मत और आपके लिए हौसला मिलता है। और बेल आइकन को आपने प्रेस करना नहीं भूलना, उससे ये होगा कि जैसे मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगी आपको उसका नोटिफिकेशन रिसीव हो जाएगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि इस एंटी एजिंग ऑयल को हमने कैसे बनाना है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए। और यहाँ पर एक पैन में मैंने जो है वो तकरीबन आप कह लें 3 टेबलस्पून के करीब जो है वो कोकोनट ऑयल नारियल का तेल ऐड कर दिया। और अब इसमें मैं ऐड करूँगी 10 से 12 लौंग, और लौंग में पाए जाते हैं बहुत से जहाँ विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स, इसके साथ साथ इसमें बहुत से ऐसे एंटी ऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो कि आपकी स्किन की जो आप कह लें इलास्टिकसिटी को बढ़ाते हैं, कोलेजन को इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं, प्रमोट करते हैं और आपकी फाइन लाइंस और रिंकल्स को जो है वो दूर करते हैं। तो अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी जी यहाँ पर जो है वो ग्लिसरीन, और ग्लिसरीन जो है वो तकरीबन इसमें मैं 1/2 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ। अब इन तीनों चीज़ों को हम स्लो हीट पे पकाएंगे। आपने अपनी हीट जो है वो बहुत स्लो रखनी है, हीट को तेज़ नहीं करना। अगर आप हीट तेज़ करेंगे तो ये होगा ये कि जो लौंग है वो जल जाएंगे और जो हमें इसके विटामिन्स न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो ऑयल के अंदर नहीं आएंगे। आपने इसको इतना पकाना है, 10 से 15 मिनट बस लगेंगे इसको पकाने में, कि जो ऑयल का कलर है ना वो चेंज हो जाएगा और इसमें से ऑयल की खुशबू भी आना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें से स्मोक धुआं उठना स्टार्ट हो गया, मीन्स अब ये पकने स्टार्ट हो गया और चूल्हे की हीट जो है वो इतनी स्लो है ना, जो दम वाली होती है ना बिल्कुल वही हीट है। तो जी यहाँ पे देखें जी ऑयल को मैंने पका लिया और अब यहाँ पर इसको हम छान लेंगे और आप लौंग का कलर देख सकते हैं। लौंग जो है वो बिल्कुल आप कह लेंगे इनका कलर जो है वो बिल्कुल ब्लैक पड़ गया, वैसे तो इनका कलर भी डार्क ही होता है लेकिन अब ये बिल्कुल ही ब्लैक हो गए। और इनको छानने के बाद ये देखें लौंग इस तरह के कुछ हो जाएंगे। और अभी मैं आपको ऑयल का कलर भी दिखाती हूँ, ये देखें जी लाइट ब्राउन कलर का हो चुका है और इसमें से खुशबू भी आ रही है लौंग की। इट मींस कि तमाम विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स लौंग के इसमें आ चुके हैं। और अब इसमें मैं ऐड करने जा रही हूँ जी पम्पकिन सीड्स ऑयल, कद्दू का जो तेल होता है वो इसमें ऐड कर रही हूँ। और ये इसमें तकरीबन मैं ऐड कर दूँगी जी 10 ड्रॉप्स, ठीक है 10 ड्रॉप्स इसके मैंने ऐड कर दिए हैं इसमें। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे जी आलमंड ऑयल, बादाम का जो तेल होता है उसके भी तकरीबन हम इसमें ऐड कर देंगे जी 10 ड्रॉप्स। ये देखें जी ये आलमंड ऑयल, इसके भी तकरीबन मैं 10 ड्रॉप्स ऐड कर रही हूँ। और आलमंड ऑयल तो आपको पता है कि इसमें विटामिन ई से भरपूर होता है और आपकी स्किन के लिए कितना अच्छा होता है। और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ जी ये रोज़ हिप ऑयल, ये आप कह लें कि एंड आपकी फाइन लाइंस रिंकल्स को ऐसे भगाएगा ना कि जैसे जैसे कोई मैजिक ही हो जाएगा। इसमें तकरीबन
टेबल टी स्पून सॉरी टी स्पून जो है वो मैंने इसमें रोज़ ऑयल ऐड किया है। और अब इसमें मैंने 1 टीस्पून जो है वो एप्रिकॉट ऑयल, खुरबानी का जो तेल होता है, वो ऐड कर दिया है। और एक इसमें मैं विटामिन ई का कैप्सूल ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास विटामिन ई का कैप्सूल ना हो तो आप इसमें विटामिन ई का जो ऑयल होता है ना वो आप इसमें ऐड कर दें। तो अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। ये जी हमारा ज़बरदस्त पावरफुल किस्म का एंटी एजिंग सीरम कह लें, ये ऑयल जो है वो तैयार हो चुका है। ये आपको इतने ज़बरदस्त रिजल्ट देगा कि जैसे जैसे आप इसको यूज़ करेंगे आपकी फाइन लाइन्स, रिंकल्स और एजिंग साइन जितने भी हैं ना वो आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रिमूव होना स्टार्ट हो गए, और आपके एजिंग प्रोसेस को ये स्लो डाउन कर देगा। अब इसको आप किसी भी एम्प्टी जो आपके पास किसी भी सीरम की बॉटल हो उसके अंदर शिफ्ट कर लें, और ये पूरी बॉटल से जितना मैंने बनाया से भर जाएगी, और ये तकरीबन आपकी 1 महीना तो आराम से ये बॉटल चल जाएगी। और ये सीरम अब हमारा जो ऑयल है वो स्टार तैयार हो चुका है। आप इसका टेक्सचर चेक देख सकते हैं, कलर देखें इसका कितना प्यारा कलर आया है, और ये इसके रिजल्ट्स भी यकीन माने बहुत ही आपको इंस्टेंट और ज़बरदस्त किस्म के मिलेंगे। और इसको अब लगाने का तरीका मैं बताती हूँ कि रात के टाइम आपने अपना फेस को धो वॉश कर लेना, और धोने के बाद आपने अपने फेस को ड्राई नहीं करना, गीले गीले फेस पर आपने कुछ ड्रॉप्स लेने हैं इस ऑयल के, और आपने अपने फेस पर इसको इस तरह अप्लाई कर देना टैप टैप करते हुए, और आपने ये अपवर्ड पोजीशन ऊपर की तरफ आपने इस तरह से जो है वो मसाज करना है, और टैप टैप करते हुए जो है वो इस ऑयल को अच्छे से अपनी स्किन में जो है वो आपने जस्प कर देना है, एब्जॉर्ब कर देना है, और ले जी उसके बाद आपने सो जाना है, और सुबह फिर आप जो है इसको वॉश कर लीजिएगा। हाँ जी, तो इस एंटी एजिंग ऑयल को बनाने का तरीका तो आपने देख लिया, और अगर आपके पास ये तमाम चीज़ें घर में हैं तो अभी फ़ौरन से बना लें, और अगर नहीं है तो जाएं फ़ौरन से और बाय करें मार्केट से और बना लें इसको। आप किसी भी एज में हैं, आपकी एज अभी इन फाइन लाइन्स रिंकल्स नहीं पड़े, लेकिन अगर या आपके पड़ गए, जो भी एज है आप इसको बनाएं, अगर आपके फाइन लाइन्स एंड रिंकल्स नहीं आए तो आप उसको डिले कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हैं, काफ़ी हद तक आप अपनी एज से जो है वो उसको इस प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं। और अगर आ गए हैं तो टाइम वेस्ट नहीं करें, जल्दी से इसको बनाएं और यूज़ करें। ये आपकी फाइन लाइन्स और रिंकल्स को कंट्रोल करेगा, डिले करेगा और ख़त्म करेगा, जल्दी से इसको बना लें। और जी, इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में जो है वो मिलूंगी। तब तक लीजिए अल्लाह हाफिज़।